रोजाना ताजा खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाए लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। पश्चिम में झमाझम तो पूरब में उमस से हाल हुआ बेहाल। रॉयल बुलेटिन लखनऊ। भीषण गर्मी और उमस से बेहाल उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में आज हुई झमाझम बरसात ने लोगों को राहत दी। हालांकि राजधानी लखनऊ और कानपुर के अलावा पूरब के कई जिले चिपचिपी गर्मी से त्रस्त रहे। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के कई क्षेत्रों में हवा के कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है और अगले 24 घंटे में राज्य के कई इलाकों में धूल भरी आंधी और बारिश के आसार हैं। हालांकि पूर्वी इलाकों में उमस से निजात मिलने के फिलहाल कोई आसार नहीं है। फर्रुखाबाद, बागपत, चित्रकूट और अमरोहा समेत कई इलाकों में सुबह तेज बरसात हुई और देखते ही देखते कई इलाके टापू की शक्ल में तब्दील हो गए। इस दौरान वर्षाजनित हादसों में कम से कम 3 लोगों की मृत्यु हो गई। आंधी से कई जगह पेड़ टूट गए जबकि बैनर और पोस्टर दूर जा गिरे। आंधी बारिश के बाद कई क्षेत्रों में यातायात बाधित हो गया जिससे जाम के हालात पैदा हो गए। लखनऊ में हालांकि उमस ने आज भी लोगों के पसीने छुड़ा दिए। आग बरसाते सूरज की किरणों से बचने के लिए लोग घरों और दफ्तरों में दुबके रहे जिससे सड़कों में भीड़ भाड़ कम रही। सुबह का आगाज हल्की गर्मी के साथ हुआ लेकिन दिन चढ़ने के साथ मौसम का मिजाज गर्म होता गया। सड़कों पर अक्सर छुट्टा घूमने वाले पशु भी पेड़ों की छांव में हांफते नजर आए। घरों व कार्यालयों में पंखे की हवा में भी लोगों के बदन से पसीना छूटता रहा। गर्मी में गला सूखने पर लोग शीतल पेय की दुकानों पर गला तर करके राहत पाने की कोशिश करते रहे। इस बीच बागपत के बालानी क्षेत्र में बिजली गिरने से आज एक युवक की मृत्यु हो गई। पुलिस सूत्रों ने बताया कि पुरा महादेव गांव निवासी जबर सिंह का 22 वर्षीय पुत्र राजू सुबह के समय खेत में काम कर रहा था, तभी अचानक बारिश होने लगी। इस दौरान गड़गड़ाहट के साथ अचानक बिजली गिर गई जिससे राजू की मौके पर ही मृत्यु हो गई। उधर कानपुर में पिछले 24 घंटों के दौरान लू की चपेट में आने से बीएससी छात्र सहित 3 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। जिले के घाटमपुर के रतनपुर गांव में रहने वाला एयरफोर्स कर्मी कामेश कुमार छुट्टी पर घर आया था। आज वह गांव में रहने वाले अरविंद के बेटे शिवेंद्र 18 के साथ मोबाइल खरीदने के लिए बाइक से कानपुर जा रहे थे। दोनों बिदनू क्षेत्र के अफजलपुर गांव के पास पहुंचे तो शिवेंद्र को चक्कर आने लगा तो बाइक रोक कर खड़े हुए और वह बेहोश हो गया। बेहोशी की हालत में वे ग्रामीणों की मदद से बिदनू CHC लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इससे पूर्व कल हीट स्ट्रोक से 2 लोगों की मौत हो गई थी। मृतकों में हेलट में भर्ती घाटमपुर के शिव पूजन एवं कार्डियोलॉजी में बिल्हौर की विद्या की मौत हो गई थी। वहीं हीट स्ट्रोक के लक्षण मिलने पर आलोक व ऋषभ नाम के मरीजों को उर्सला इमरजेंसी में भर्ती किया गया है। डॉक्टरों ने गर्मी के प्रकोप से बचने के लिए लोगों को घर से निकलते समय पानी पीकर व रोजाना 4 से 5 लीटर पानी पीने की सलाह दी है।